तो WWE ने आज ऐसा कमाल करके दिखाया जो कि आज तक मेरे ख्याल से मनी इन द बैंक की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट WWE का पेपर व्यू रहा होगा, बिकॉज जॉन सीना हैज बीन फाइनली रिटर्न। और ये जॉन सीना है फिर एक बार वापस, उन्होंने क्या रोमन रेंस के सामने कन्फ्रंट, तो भाई इसके बारे में बात करेंगे। और भाई रोमन वर्सेस एज क्लासिक 5-स्टार रेटिंग मैच हो चुका है, और भाई सेल्थ रोनस एंड एज भी आ गया आमने सामने, और भाई कौन जीता मनी इन द बैंक लैडर मैच, और भाई हमें मिल चुका है अपने पिकी एज मनी इन द बैंक विनर। और भाई वुमेन्स के मनी इन द बैंक का भी काफी तगड़ा आज सीन रहा, और भाई शार्लेट फ्लेयर बन चुकी है न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। तो भाई सारे पेपर व्यू के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप वीडियो के ऊपर चिपक जाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई वीडियो को देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते। और भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेते कि कॉप शो के द्वारा जहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई देता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए दी उसोज वर्सेस अपने मिस्टीरियस के बीच पर रहे हैं डोमिनिक अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट न्यू सोच। मैच है जो कि गॉफ के अंदर रखा था, वैसे मैच अच्छा रहा। और भाई मैच के अंदर जो सीन ही था कि एंडिंग के अंदर कुछ ये सीन बनता है कि भाई अपने रे मिस्टीरियो लगा देते 619 जे उसो को, बट जिमी उसो को ला देते वो कैप्चर कर लेते। और भाई एंडिंग के अंदर अपने जिमी उसे निकल होते, जिमी उसे रोलअप कर लेते हैं, बट रोलअप करते भाई रिंग साइड पर होते, और भाई जो अपने जे उसे वो पीछे से उनको मदद करते, और भाई जिससे तरीके से रेफरी देख नहीं पाता, पिनफॉल हो जाती है। और भाई मैच के अंदर जो अपने जो उसोस है वो बन जाते हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस। और भाई 7 टाइम अपने जो जो न्यू डे के उसोस है वो इस बार टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं, और भाई काफ़ी खुशी से वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। और भाई जो अपने उसो भाई है वो अब बन चुके हैं टैग टीम चैंपियंस। तो भाई काफ़ी अच्छा ये जो है शो पर एक काफ़ी तगड़ा मैच था, और भाई ओपनिंग के अंदर WWE ने काफ़ी कमाल धमाल मचा दिया था, बट ओपनिंग एक्चुअली होती है वो होती है इस बार जैसे हर बार होती है वुमेन्स की मनी इन द बैंक के द्वारा जहाँ पर से मैच होता है, मैच काफ़ी अच्छा होता है। और भाई मैच के अंदर सभी कंटेंडर्स होती है वुमेन्स की ओर से, यहाँ पर से नटालिया होती है, टमीना होती है, अलेक्सा ब्लिस होती है, निकी एश होती है, यहाँ पर जो है लिव मॉर्गन है, अलेक्सा ब्लिस सारी सुपरस्टार होती है। और भाई मैच के अंदर जो है अलेक्सा ब्लिस जो अपने माइंड गेम्स चला रही होती है, बट एंडिंग के अंदर ये सीन बनता है कि भाई अलेक्सा ब्लिस को सभी टारगेट करवा लेते हैं, उनको जो है रिंग साइड पर मारते हैं, और भाई लैडर सभी उनके ऊपर डाल देते हैं, और भाई रिंग के अंदर सभी सुपरस्टार लैडर के ऊपर चढ़ रही है, मतलब तीन लैडर है, तीनों लैडर के ऊपर सारी बाकी की 7 महिला चढ़ रही है, और भाई सभी के ऊपर जाती है निकी क्रॉस। और भाई निकी क्रॉस आउट ऑफ नोवेयर सभी के मतलब जो चल रहे होते हैं उसके अंदर से वो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस हासिल करती है, जो कि एक अलग सी चीज लगी। और भाई वो इस बार जो है मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जी जाती है, और भाई काफी सरप्राइज था। और भाई निकी एश अब बन चुकी है मनी इन द बैंक वुमेन्स मनी इन द बैंक 2021, तो भाई काफी अच्छा था, और भाई मैं खुश हूँ इस रिजल्ट से। भाई आपको क्या लगता है निकी एश निकी क्रॉस के बारे में? और भाई अब जो फिलहाल जो वुमेन्स की मनी इन द बैंक की विनर है वो है इस बार गैस निकी एश बढ़ गए, जिसके बाद हमें जो शो पर मैच दिखाया जाता है वो यहाँ पर से होता है एज स्टाइल्स एंड ओमोस अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट वाइकिंग रेडर्स यानी कि एरिक एंड आइवार। ये मैच भी जो है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था, बट जो एज स्टाइल्स को इतनी अच्छी तरीके से जो लाइव फैंस के सामने अच्छा रिएक्शन मिला है वो काफ़ी तगड़ा था, और मैच के अंदर अपने एज स्टाइल्स एंड ओमोस चैंपियनशिप करते थे डिफेंड, और भाई ओमोस को भी काफ़ी तगड़ा रिएक्शन मिला था। और भाई इस वजह से जो एज स्टाइल्स एंड ओमोस है उन्होंने अपनी जो रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप है उसको आज सक्सेसफुली डिफेंड किया। बट नेक्स्ट हमें शो पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर से नेक्स्ट होता है रिया रिपली का मैच जो कि फेस करती है शार्लेट फ्लेयर को, और भाई रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए इन दोनों का क्लासिक आज मैच होना था। मैच काफ़ी तगड़ा होता है, रिया रिपली को इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिलता, बट जो शार्लेट फ्लेयर है उनको तो भाई किसी अलग ही लेवल पर सपोर्ट मिलता है, और भाई फैंस काफ़ी चीयर करते हैं। मैच स्टार्ट होता है, मैच के अंदर पहले जो स्लो पेस पर स्टार्टिंग होती है, बट जो मैच जैसे पेस बनाता है काफ़ी अच्छा लगता है। और भाई मैच के एंडिंग के अंदर शार्लेट फ्लेयर पूरी अपनी जान लगा देती है, और भाई एंडिंग के अंदर वो जो है रिया रिपली के टांग को इंजर्ड कर देती है और फिगर एट लगा देती है, और भाई बन जाती है न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। और भाई फिर एक बार शार्लेट फ्लेयर अ 14-टाइम वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है, और भाई काफ़ी तगड़ा शार्लेट फ्लेयर की विक्ट्री थी, और भाई ऑडियंस भी उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और भाई अब जो शार्लेट फ्लेयर है उनको अब 14-टाइम वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है, और भाई काफ़ी तगड़ा फैंस ने उनको रिएक्ट किया था, और भाई काफ़ी तगड़ा ये मैच था। बट नेक्स्ट हमें दिखाई देता है वो दिखाई देते हैं अपने दी ऑलमाइटी WWE चैंपियन का मैच, यानी कि बॉबी लैशली में फेस करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर से अपने कॉफी किंगस्टन को। और भाई यहाँ पर से ये जो फिलहाल मैच था वो था यहाँ पर से जो है WWE चैंपियनशिप के लिए, वैसे जो पहला मैच हो गया था बट अभी रिकॉर्ड करते टाइम मुझे याद आ गया, बट मैच स्टार्ट होता है और भाई मैच के अंदर अपने बॉबी लैशली जो है स्टार्टिंग से डोमिनेट करते हैं, बट जो एंडिंग के अंदर वो अपनी डोमिनेट जैसे लगाते हैं भाई काफ़ी तगड़ा डोमिनेशन वो क्रिएट कर लेते हैं, काफ़ी बार इधर उधर पटकते हैं, उसके बाद हर्ट लॉक फाइनली लगा देते हैं। हर्ट लॉक के बाद भाई जो अपने कॉफी किंगस्टन नहीं बचाते, पास आउट हो जाते हैं, और भाई मैच के अंदर जो अपने ऑलमाइटी WWE चैंपियन है यानी कि अपने बॉबी लैशली उन्होंने डोमिनेट काफ़ी डोमिनेट
सीन के अंदर अपनी जो WWE चैंपियनशिप है उसको यहाँ पर से डिफेंड किया, और फिर जो अपने बॉबी लैशली है उन्होंने भी अपनी जो WWE चैंपियनशिप है वो यहाँ पर से रिटेन किया, और फिर काफ़ी तगड़ा आज बॉबी लैशली ने मैच के अंदर डोमिनेशन क्रिएट की थी। बट नेक्स्ट समय दिखा देता है मैच यहाँ पर से होता है, इस बार मैच का लैडर मैच यहाँ पर से होते हैं अपने कंटेंडर्स रिडल, रिकोशे, जॉन मॉरिसन, बिग ई, केविन ओवेंस, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, किंग नाकामुरा एंड ड्रू मैकइंटायर। तो भाई काफ़ी तगड़ा मैच था, और भाई मैच ऐसे स्टार्ट होता है, मैच के अंदर भाई अपने जो है सभी एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, मैच अच्छा चल रहा है भाई। जॉन मॉरिसन ने सेथ रॉलिंस पहले तो एक टीम बनने की कोशिश करते हैं, बट सेथ रॉलिंस उल्टा ही कर देते हैं, और भाई सेथ रॉलिंस भी अटैक कर लेते हैं, बट मैच स्टार्ट होता है, और मैच की जैसे जैसे एंडिंग के पास हम चलते हैं तो भाई एंडिंग के अंदर अपने जो ड्रू मैकइंटायर है वो जाते हैं MITB को जीतने के लिए, मतलब ऊपर चढ़ते हैं, बट अचानक से आते भाई वीरेन शैंकी आउट ऑफ नोवेयर, और भाई वीरेन शैंकी अटैक कर देते, उसका जिंदर माल स्टील चेयर लेकर आते हैं, मारते ड्रू मैकइंटायर को, और भाई ड्रू मैकइंटायर को वीरेन शैंकी और जिंदर माल वापस से लेकर जाते हैं बैक स्टेज। बट रिंग के अंदर सीन ये होता है कि भाई अपने सेथ रॉलिंस चढ़ते ऊपर, बट अचानक से केविन ओवेंस आते थे, केविन ओवेंस भी कुछ स्टार लगाते थे, बट केविन ओवेंस को जो यहाँ पर से उनकी याद नहीं लगनी थी मनी द बैंक, सेथ रॉलिंस उनको स्टॉम देते हैं, फाइनली जाते हैं लैडर के ऊपर, बट बिगी आते हैं, और भाई बिगी लैडर से उनको बिगी एंडिंग लगा देते, और फिर जो अपने बिगी है वो जीत लेते हैं मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट, और भाई अब बिगी बन चुके हैं मेन मैच के मिस्टर 2021 के मनी इन द बैंक के विजेता। बट जो मेन इवेंट की मैं बात करूँ जो कि क्लासिक A1 मैच रहा जो कि था रोमन रेंस वर्सेस अपने एच के बीच, और भाई काफ़ी तगड़ा ये मैच था, और भाई मैच जैसे स्टार्ट होता है मैच काफ़ी पहले तो भाई थोड़ी भाई स्लो ही पेस पे चल रहा था, बट मैच जैसे जैसे आगे चलता है अपने रोमन रेंस पहले तो ज़्यादा डोमिनेशन क्रिएट करते हैं, एच पे जो है एच को मतलब बुरी तरीके से जो है मारते हैं, और भाई मैच के अंदर एंडिंग के अंदर सीन बनता है कि जैसे अपने जो रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगा देते हैं, एच गिरते हैं रेफरी के ऊपर, रेफरी हर बार की तरह अपना हो जाता है नॉकआउट, पता नहीं उसको क्या इतना लग जाता है, बट जैसे नॉकआउट होते हैं अपने रोमन जाते हैं जैसे एज ने उनके साथ किया था वैसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो यस लॉक लगाते हैं ना वैसा, बट वो सीन होता नहीं, एज उसको रोक देते पूरी ताकत से, और वे उल्टा रोमरेस के ऊपर वो लॉक लगा देते, उसके बाद हमें दिख जाते हैं कि वे रोमरेस स्टेप आउट अब नहीं करते, बट सेविंग के लिए आ जाते हैं जिमी एंड जी ओसो आते हैं, बट उनको पीछे से रोक लेते हैं अपने मिस्टीरियस, और भाई वो अटैक कर लेते हैं, और भाई जिसके तहत ये जो ना ये चारों जो है बैक स्टेज चले जाते हैं, बट सेथ रॉलिंस होते हैं, सेथ रॉलिंस पीछे से आउट ऑफ नोवेयर आते हैं, और भाई एज के नेक के ऊपर लगा देते एक सुपर किक, और भाई जिसके तहत एज नॉकआउट, उसके बाद सेथ रॉलिंस जा जाते हैं, उसके बाद रोमन जाते हैं, और भाई रोमन एक स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, बट उल्टा एज उनको लगा देते हैं स्पीयर, बट उसके बाद रेफरी एक नया आ जाता है रोमन के लिए काउंट होता है, बट रोमन रेस करते हैं काउंट, उसके बाद एज जाते हैं और एक स्पीयर लगाने के लिए जो कि मैच का एंड प्रोबेबली होना था, बट सेथ रॉलिंस आते हैं, और भाई सेथ रॉलिंस डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर लेते हैं, रोमन आते हैं, और भाई रोमन कर लेते हैं मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड, स्पीयर लगा देते हैं, बट उसके बाद हमें एंगल लिखा जाता है कि जैसे रोमन रेस ने अपनी चैंपियनशिप को यहाँ पर से रिटेन किया, रोमन के बाजू जो है अपने एज पड़े हुए, बट सेथ रॉलिंस आते हैं, और भाई सेथ रॉलिंस जो है काफी गुस्से में एज को मारते हैं, और भाई रोमन होते हैं, रोमन उनके सामने होते हैं, और भाई रोमन के सामने वो फेस ऑफ करते हैं, बट रोमन को जैसे वो फेस ऑफ करने के लिए कुछ कहे एज आते पीछे से मारते, और भाई एज या सेथ रॉलिंस अपने भिड़ रहे अपने भिड़ रहे, और भाई ऐसे करके करते वो जाते हैं सीधे ऑडियंस के अंदर, और भाई क्राउड के सामने वो जो बैक स्टेज पर चले जाते हैं, बट इतना ही नहीं रोमन रेस अपनी चैंपियनशिप जैसे रेस करते हैं, पॉल हेमन को माइक देते हैं, रोमन रेस कुछ कहते हैं कि भाई अब पूरे वर्ल्ड को मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और भाई उसी टाइम सेम टाइम पर थीम सॉन्ग प्ले होते हैं अपने जॉन सीना का, और भाई जॉन सीना रिटर्न आते हैं, और भाई फैंस तो भाई और एक्साइटमेंट से पूरे भर चुके थे, और भाई अपने जॉन सीना आ गए हैं रिटर्न, जॉन सीना जैसे आते हैं फैन भाई बौखला जाते हैं पूरी तरीके से, जॉन सीना अपने एंट्रेंस करते हैं रिंग के अंदर आते हैं, और भाई रोमन रेंस के सामने आते हैं, और भाई रोमन रेंस के सामने माना जो है एक अलग तरीके से जो है करते कुछ, और भाई रोमन रेस के सामने से वापस से निकल जाते हैं, और भाई काफ़ी तगड़ा हमें थिंग दिखा देते हैं, और भाई रोमन एंड जॉन सीना के बीच आज काफ़ी तगड़ा फेसअप हुआ, और भाई ओवरऑल काफ़ी बढ़िया शो मुझे लगा WWE का। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यही तक थी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं, आप लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी थी, आज की वीडियो बस इतनी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।